चार हत्याओं से दिल्ली संगम नगरी। जी हां, यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्संघनता पूर्वक धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला को घटना अवस्था पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला गंगा पार के होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का है, जहां घर के अंदर विमलेश पांडे 40 वर्ष, पुत्री सोमू 22 वर्ष, शिवू 19 वर्ष, पुत्र प्रिंस 18 का रक्त रंजित हालत में शव मिला, जबकि घर में ही एक महिला घटना स्थल पर घायल अवस्था में थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। इस दौरान वहां मौजूद गांव के लोगों से पुलिस की हल्की झड़प भी हुई, जिसमें गांव वाले पुलिस के ऊपर तमाम आरोप लगाते दिखे, जिसके बाद वहां से गांव वालों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के तरफ से लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उनका कहना है कि देर रात लूटपाट की नीयत से आए लोगों ने इस निशंक हत्या को अंजाम दिया है। लूट के साथ ही उन्होंने मृतक पाई गई घर की बच्चों के साथ दुष्कर्म होने की भी आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे केस जल्द ही जांच कर अनावरण करने की बात कह रही है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। वजह अभी तक कुछ पता चल सकी? मोटिव इसमें अभी तक ये बताया गया, क्योंकि उनकी यहाँ पर अच्छी ख्याति है, डॉक्टर का कार्य करते थे आसपास के गांव में, और सभी लोगों ने बताया कि उनकी किसी प्रकार की कहीं दुश्मनी नहीं है। उनकी बेटियाँ भी यहाँ एक बात के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती हैं, वहाँ से भी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी की आशंका लूट के इरादे से किसी गैंग के द्वारा ये घटना। लूट के ऐसी कुछ वहाँ पर अंदर इस तरीके की गतिविधियाँ, ऐसा कुछ वहाँ कुछ बॉक्स खुले पाए गए हैं, सामान को खंगाला गया है। श्री अशोक कुमार पांडे जो यहाँ मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए जो घर पर चढ़कर उसके बाद उन्होंने लूटपाट की है, चापड़ से हत्या कर दी है, और जिसमें चार लोगों की हत्या हुई है, मकान गृह स्वामी की, उनकी पत्नी अभी अस्पताल में जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो बच्चे उनकी डेथ हुई है जो मौके पर मरे पाए गए, कुछ सामान लूटने की और दुष्कर्म के बारे में भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है। इसके बारे में आज फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, यहाँ के समस्त अधिकारी आ गए हैं और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है, जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। क्या कोई प्रथम दृष्टया क्या कोई रंजिश का मामला लगता है, लूट का मामला? आप लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर जाँच की, इसमें काफ़ी पूछताछ की गई, तो अभी तक कोई रंजिश किसी प्रकार की सामने नहीं आई है। मृतक एक डॉक्टर का कार्य यहाँ पर करते थे और आसपास के गांव में उनकी रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है, केवल वो उनकी काफ़ी अच्छी ख्याति है, लगता है लूट के इरादे से ही ये इनका कत्ल किया गया है। तो सर, गंगा पार में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां एक परिवार के कई लोगों को मारा गया, अगर बीते साल भर की बात करें 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, क्या कोई बावरिया या कोई घुमंतु गिरोह है या इस तरह की कोई चीज़ यहां समझ में आती है? इससे पूर्व जनवरी में सोराव के यूसुफपुर गाँव में एक घटना हुई थी जो लगभग इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडा है, उसमें नामजदगी हुई थी, लेकिन नामजदगी के बाद वो नामजदगी सही नहीं पाई गई, लेकिन उसमें अभी तक जिन गैंग्स पर कार्य किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसमें अभी भी हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो कार्य कर रही है, वो जल्दी ही इस केस को भी सॉल्व करेंगे। कोरोना की गिरफ्त में पुलिस महकमा। जी हां, यूपी के बरेली जिले के सीबीगंज थाने में तैनात 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 4 दरोगा, 8 पुलिस कांस्टेबल हैं। फिलहाल इस घटना से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के आलाधिकारी के आदेश पर सीबीगंज थाने को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। सीबीगंज थाने को सैनिटाइज भी कराया गया है। वहीं थाने में पहुंचने वाले फरियादियों को परसा खेड़ा चौकी पर पहुंचने के लिए कहा गया। देखिए बरेली से शाहवाज बेग की रिपोर्ट। पहली बार काफ़ी अधिक संख्या में केसेस मिले, कुल मिलाकर कल 43-43 पॉजिटिव केस पाए गए। दरअसल 400 कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आई थी, तो 400 कुछ की रिपोर्ट इकट्ठी आई थी, तो उसमें स्वाभाविक रूप से भी कुछ अधिक पॉजिटिव होने की संभावना थी, और इसमें 13 व्यक्ति एक ही परिवार के हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। यदि कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो जाए, उसका परिवार बड़ा है और वो सभी संक्रमित हो जाए, तो भी संख्या बढ़ जाती है। तो इन सभी को उपचार के लिए कोविड हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है, और इनके जो भी संपर्क में आए हैं लोग,
उनको उनका इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा और जिसमें सैंपल्स की आवश्यकता होगी उनको सैंपल करा जाएगा, जिनको क्वारंटीन की आवश्यकता होगी उनको क्वारंटीन किया जाएगा। सर, जो 43 पेशेंट आए हैं इसमें ये प्रवासी हैं या फिर स्थानीय शख्स हैं? 43 एक बड़ा आंकड़ा है, सबका अलग अलग वो है, तो विस्तार से मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया 13 व्यक्ति तो एक ही परिवार के हैं, तो अधिकतर पॉजिटिव से संपर्क के ही लोग अब आ रहे हैं। प्रवासियों का आगमन तो अब लगभग बंद हो गया है, तो जो किसी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हैं, चाहे किसी प्रवासी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हों, उन्हीं लोगों के आजकल सैंपल्स ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और या फिर जो खांसी बुखार सांस की तकलीफ़ वाले लोग हैं जिसको हम ILI या सारी कहते हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं में से अधिकांश पॉजिटिव आए होंगे। आसाओं ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर में उपजिलाधिकारी कार्यालय में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मामला उपजिलाधिकारी कार्यालय बाजपुर का है, जहां पर दर्जनों आशा कार्यकर्ता एकत्र होकर 9 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर उपजिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री के आशाओं ने अपनी 9 सूत्री मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। आशाओं ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि आशाओं की सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान किया जाए, आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा आशाओं को कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन भत्ता 10,000 मासिक की दर से भुगतान किया जाए आदि मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि यदि हमारी 9 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो आशा हेल्थ वर्ल्स यूनियन अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सहीद की रिपोर्ट। हम लोग COVID-19 को लेकर के हमने जो अपनी मांग को रखा है यहाँ पर, इस आपदा की स्थिति में हम लोग जो है लगातार काम हम लोग कर रहे हैं और अपने फील्ड वर्क भी खूब अच्छी तरीके से अपने कार्य को अंजाम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने ये भी नहीं सोचा है कि हम लोग किन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग घर घर जाते हैं, ना तो हमें मतलब कुछ ज़्यादा उन्होंने जो है सुरक्षा के साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं करा रखे हैं, और दूसरा जो हमारी मांग है कि COVID-19 को लेकर के 10,000 जो है मासिक हमें दिया जाए, और नहीं तो जैसे आंगनवाड़ी है, फैसिलेटर है या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनके अकॉर्डिंग हमें जो है मानदेय दिया जाए, या और राज्य कर्मचारी का दर्जा जो है हम लोगों को देना चाहिए। कोरोना समस्या हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम लोग लगभग जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग 3 बार जो है हम सर्वे करके दे चुके हैं, और हर 20 दिन में हम लोगों को सर्वे करके देनी है, जिसका हम लोगों को ये भी नहीं पता कि किस परिवार में कौन सा जो सदस्य है, कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम लोगों को कुछ नहीं पता। हर घर में जा करके हम लोगों को हर व्यक्ति का टेम्परेचर लेना है, उनकी पूरी रिपोर्ट हमें बना करके उनको जो है हम लोगों को देनी है, तो इसमें हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही है। इतनी गंभीर समस्याएँ हम लोगों के लिए आ रही है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि किस परिवार में क्या है, और आशाएँ जो है उसमें हम लोग जो है इस महामारी का शिकार हम लोग हो रहे हैं। 2 करोड़ के हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्वाट टीम SOG व 54 पुलिस ने 2 करोड़ के हीरोइन के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत स्वाट प्रभारी प्रवीण सिंह, SOG प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह व 54 SHO नवीन तिवारी, 54 SI अवधेश यादव अपराधियों की तलाश में गश्त पे निकले थे कि उन्हें मुखबिर से द्वारा उनको सूचना मिली कि 3 हीरोइन तस्कर मिर्जापुर से बोलोरो से 54 बघरा नाला के पास आने वाला है। आनंद फालन में जब उक्त जगह चेकिंग किया गया तो संदिग्ध व्यक्ति बोलोरो में भागने लगा। पीछा करने पर 3 आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने में बोलोरो से कुल 1 किलो हीरोइन सहित रिवॉल्वर, 15 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 1 किलो हीरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 2 करोड़ बताई जा रही है। 3 तस्कर के नाम विजय पटेल पुत्र दीनानाथ पटेल निवासी बग्घा नाला, 54 मुश्ताक पुत्र इम्तियाज निवासी महुआ बिहार, मिश्रीलाल प्रजापति पुत्र अमरनाथ निवासी डिबुलगंज अनपरा है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। बरामद हुआ देखिए जनपद सोनभद्र पुलिस जिसमें थाना 54 की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी, स्वाट टीम थी, SOG टीम थी, ये सामूहिक प्रयास से जनपद सोनभद्र पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब कल रात में ये नारकोटिक्स के मामले में लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन की बरामदगी की गई है, और उस जो वेपन के साथ उसमें इलीगल वेपन थे
और वो जिसमें दो बिहार के रहने वाले थे, एक जनपद सोनभद्र के रहने वाले थे, एक गाड़ी बोलेरो से लोग जा रहे थे जिसमें पुलिस ने पीछा करके और इनकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ के बाद तमाम ऐसे तथ्य संज्ञान में आए हैं जिसको पुलिस विवेचना के माध्यम से वेरीफाई कर रही है और इस तह में जाकर के और इतनी बड़ी जो कामयाबी मिली हुई है इसमें हम गैंगस्टर तक की कार्रवाई बाद में करेंगे। इनकी पूरी हिस्ट्री खोजी जा रही है और इसमें विधिवत कार्रवाई होगी, प्रभावी कार्रवाई। जनपद चार प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से इसका अपराध बढ़ रहे हैं या हीरोइन की तरफ लोगों का बेरोजगारी की वजह से रुझान है? देखिए, जहाँ तक अपराध बढ़ने की जो बात है, अपराध बढ़ने के कई तरीके होते हैं। अभी ऐसा नहीं जनपद सोनभद्र में अपराध की स्थिति कोई अनियंत्रित नहीं है। बीच में जो भी घटनाएं वगैरह हुई थी, जहाँ तक जो चाहे वो हत्या की बात हुई हो या दहेज हत्या की बात हुई हो, वो घर में एक तरीके से रिश्तों की हत्या हुई थी। कभी किसी मामले में बाप ने बेटे की हत्या की थी, कभी किसी मामले में बेटे ने अपनी माँ की हत्या की थी। उन सारे के सारे जो भी अपराध यहाँ कारित हुए थे, सारे अभियुक्त नियमानुसार जेल में भेजे जा चुके हैं और जनपद सोनभद्र की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो इन लोग को कुछ प्रोत्साहन राशि? पुलिस की जितनी टीम है और पुलिस की टीम समय समय पर निश्चित रूप से अच्छा जो कार्य कर रही है, इनकी सार्वजनिक मंच जैसा आप लोगों के माध्यम से इनकी सराहना की गई, हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ये प्रशंसा है। ये था अभी का कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।